अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई YouTube चैनल फैबुलस प्रोजेक्ट। आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक सबमरीन पंप की। ये आपको पाकिस्तान में 200 रुपीज़ तक का अवेलेबल होगा। इसका ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ हमें चाहिए एक आयर सेंसर, ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके साथ हमें चाहिए एक सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल, जिसको हम आर्डिनो के साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंगल चैनल। उसके साथ हमें चाहिए कुछ इस तरीके का पाइप। अगर तो आपके पास 8 mm का पाइप अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप बाइक रिपेयरिंग वाली शॉप पर जाकर उनको कह सकते हैं कि हमें कॉर्पोरेटर वाला पाइप दीजिए, ठीक है। तो आप ये 1 फीट तक का ले सकते हैं, उससे कम, जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कुछ फीमेल टू फीमेल जंपर वायर्स और कुछ बैटरी, आप एक सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। उसके साथ हमें चाहिए कुछ ऐसा बॉक्स, ये आपको जनरल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर हमें 2 सुराख इस तरह से कर लेने हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसके साथ हमें चाहिए एक थोड़ी सी हार्ड वायर। अगर हम इसको इस तरफ को टर्न करें तो ये वहीं पर अटक जाए, ऐसी कुछ वायर। आप कॉपर के हार्ड वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ ऐसी वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस पाइप को इसके सबमरीन पंप के ऊपर चढ़ाना होगा। उसके बाद जो हमने बॉक्स का कैप दिया था, उसके अंदर हमने 2 सुराख किए थे, तो हमें इसके नीचे वाले साइड से इस पाइप को बाहर निकालना होगा। उसके बाद जो हमने छोटा सुराख किया था, तो पंप की वायर को इससे हम बाहर निकालेंगे, इस सुराख से बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद जो हमने ये वायर ली थी, इसको इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे, जिससे यहाँ एक जगह पर इस तरह से फिक्स हो सके, और इसको हम यहाँ से किलू से जोड़ देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक आयर सेंसर और जो हमारी रिले मॉड्यूल। आयर सेंसर के 3 पॉइंट होते हैं, आउट, ग्राउंड और VCC। इसी तरह से रिले मॉड्यूल के भी 3 पॉइंट होते हैं, इनपुट, ग्राउंड और VCC, ठीक है। जो हमारी आउटपुट की पिन है, उसको हम इसके इनपुट के साथ अटैच करेंगे फीमेल टू फीमेल जंपर वायर से। इसके बाद हमें 2 जंपर वायर और चाहिए होंगी, लेकिन जो हम 2 अलग जंपर वायर लेंगे, उसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे कुछ इस तरह से, जिसके साथ हम एक जो वायर है उसको हम ग्राउंड पिन के साथ अटैच करेंगे, और दूसरा जो कटा हुआ है इसका पीस है, उसको इसके ग्राउंड पिन के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद हमें एक और लेनी होगी फीमेल टू फीमेल वायर, जिसको हम पहले की तरह बीच में से 2 हिस्सों में काट लेंगे, और इसका जो VCC पॉइंट है, उसको एक कटा हुआ पीस VCC के रिले मॉड्यूल से लगेगा, दूसरा कटा हुआ पीस VCC IR सेंसर से अटैच होगा। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को इस बॉक्स के ऊपर अटैच कर लेंगे, और आगे का प्रोसेस अटैच करने के बाद कर सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका दिया। मैं आपको इसकी अच्छी तरह से वायरिंग बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे वायरिंग की। सबसे पहले ये जो 2 वायर्स आ रही हैं हमारे पंप की, जो ब्लैक वाली वायर होगी, उसको हमें इसके सेंटर पॉइंट से अटैच करना होगा।
इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा पीस वायर का चाहिए होगा, एक्स्ट्रा पीस जिसको हम रिले मॉड्यूल के ये रेड वाली साइड से फर्स्ट वाले के अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी आईआर सेंसर और वीसीसी की ग्राउंड पिन है उन दोनों की वायर्स को इकट्ठा करेंगे और साथ में बैटरी की नेगेटिव वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, जो हमारी रिले मॉड्यूल की वीसीसी यानी कि पॉजिटिव पिन है और आईआर की पॉजिटिव पिन को ज्वाइन करने के बाद हम बैटरी के पॉजिटिव को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमारी लाइन डिप्लिंग करना शुरू कर दी है, लेकिन अभी हमारा पंप जो अंदर है वो अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने पंप की पॉजिटिव वायर को बैटरी की पॉजिटिव वायर के साथ अटैच करना है। और जो हमारी एक्स्ट्रा वायर थी इसको हम बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। तो अगर हम हमारा हैंड इस सेंसर के आगे आएगा तो लाइट ब्लिंक होगी, यहाँ से रिले मॉड्यूल से ग्रीन वाली लाइट ब्लिंक होगी और दूसरी तरफ से आईआर सेंसर में ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी और हमारा पंप भी ऑन हो जाएगा। जैसे हमारा हाथ दूर जाएगा तो ये दोनों लाइटें बंद हो जाएंगी। हमारे हाथ के अलावा कोई भी चीज़ अगर इसके आगे आएगी, देखिए चलिए अब इसका टेस्ट ले कर देखते हैं। सबसे पहले हमें इस बॉक्स का ढक्कन ओपन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर पानी भरेंगे इस तरह से। मैंने पानी को बॉक्स के अंदर भर लिया है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब कोई भी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनने के बाद हम सबसे पहले ग्लास को लेंगे और इस सेंसर के आगे लेके आएंगे। ये देखिए पानी आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए जब सेंसर से दूर जाएगा, सेंसर की सेंसिटिविटी से दूर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जब इसको हम पास लेकर आएंगे तो ये खुद ब खुद चल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है, आप अगर आपके स्कूल में एग्जीबिशन है तो वहाँ पे इसको बनाकर लेके जा सकते हैं। होप सो ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ला सकता हूँ।